सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अपाणी पादो जबनो गृहीता पश्यश्च चक्षुषा स्मृतिकर्णा न स वैद्य वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्तः तमाहुर्ग्रहं पुरुषं महान्तम्। ओम तम हिना पिता वसु तम माता सतक्रतो बहुविथ अधाते सुम्नमीमहे। सत्संग भवन में उपस्थित हमारी पूजनीय मातृशक्ति आर समाज के सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रचारक यज्ञ के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं हमारे श्री सत्यनारायण जी, त्रिलोकनंद जी और हमारे युवा पुरोहित प्रचारक श्री कैलाश जी, जो हमारे विचारों को जन जन तक मीडिया के माध्यम से प्रचार करने में लगे रहते हैं। सभी का मैं अपनी ओर से अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूँ। प्रातःकाल की बेला में ये ईश्वर की कृपा से, आप सबके सहयोग से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से ये सत्संग का अवसर हमें प्राप्त होता है। और निरंतर पिछले कई दिनों से कई प्रकार की अध्यात्म से जुड़े हुए विषयों पर हमने चर्चा की और साधना में अध्यात्म की दृष्टि से जिन तत्वों को समझना बहुत आवश्यक है, उनके स्वरूप को जानना और उनका हमारे साथ कैसा संबंध है, इस विषय को लेकर कई प्रकार की चर्चा हमने आपके समक्ष की। और कल उसी तत्व ज्ञान की दृष्टि से आपको याद आ रहा होगा कि जो तीन तत्व हैं हमारे लिए, जिनको हम कहते हैं तत्व ज्ञानी बनो, उसका अभिप्राय यह है कि परमात्मा और जीवात्मा और प्रकृति का ज्ञान होना, ये तीन तत्व हैं। इन तीनों तत्वों का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे तत्व ज्ञानी कहते हैं। तो वही इसी को हम यथार्थ ज्ञान कहते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसके स्वरूप को जान लेना, समझ लेना, ये बहुत बड़ी एक आवश्यकता है। तो उसी कड़ी में कल हम आपके समक्ष चर्चा कर रहे थे कि आज ईश्वर को लेकर कितनी भ्रांति समाज में पैदा कर दी है और उसी का परिणाम क्या हो रहा है कि तमाम समाज का शोषण हो रहा है और कुछ स्वार्थी लोग किस प्रकार से अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में इसी माध्यम से लगे हुए हैं और इस सारी बुराई का, सारे जो समस्याएं हैं उनका मात्र समाधान ये है कि महर्षि स्वामी दयानंद की दृष्टि से इन तत्वों को समझा जाए। और महर्षि स्वामी दयानंद ने इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इन तीनों को लेकर अलग अलग समलास में सब चर्चाएं की हैं। तो इसलिए आवश्यकता है कि हम उसका स्वाध्याय करें और वहाँ से फिर प्राप्त होती है। मैं कई दिन से एक अनुभव कर रहा हूँ, जब बैठता हूँ इधर अपने एकांत में साधना में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने देश का इतिहास बताता है कि कुछ लोग पर तलवार के जोर से, अपनी ताकत की जोर से आए यहाँ पर और उन्होंने सारे देश को अस्त व्यस्त किया, लूटा को। और उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर आए व्यापार के नाम पर और धीरे धीरे उन्होंने सारे देश पर कब्जा कर लिया। ये पिछला हमारा अतीत बता रहा है। वर्तमान में भी मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि जो विदेशी षड्यंत्र हैं, शक्तियाँ हैं, वो हमें चैन से नहीं बैठने देंगे। इसीलिए अब जो ये आ रहा है कि इस समय शायद अब हमारे देश के ऊपर एक दूसरे ढंग से षड्यंत्र करके इसको कमजोर करने का प्रयास किया जाएगा। और वो कौन सा क्षेत्र है, क्योंकि विदेश में ये सब जान गए कि भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि अब उसको ताकत के बल पर, हथियारों के बल पर उसको नहीं दबाया जा सकता। भारत इतना शक्तिशाली हो चुका है कि व्यापार के माध्यम से भी उसका शोषण नहीं कर सकते हो।
ये दोनों पहलुओं को यहाँ के भारत के लोग, यहाँ की सरकार अच्छे से समझ रही है, लेकिन एक कमजोरी हमारी अभी बनी हुई है और इस कमजोरी का मैं समझता हूँ भविष्य में, भगवान ना करे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस कमजोरी का लाभ विदेशी लोग उठाएंगे और इस कमजोरी से हमारे समाज को और हमारे देश का फिर एक बार शोषण होगा। और वो जानते हो कौन सी कमजोरी है? वो है धर्म के क्षेत्र की कमजोरी। हमारे यहाँ जो ये धर्म है इसको देखकर सारे बाहर ये संदेश जा रहा है कि भारत के अंदर जो वैमनस्यता है, जो फूट है और जिससे विभाजन है, एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, परिवार परिवार में फूट पड़ गई है इस बात को लेकर, तो वो कौन सा मुद्दा है? वो धर्म का मुद्दा है ना। तो इसलिए अब जो अगला आक्रमण हो रहा होगा वो विदेशी अपने देश के ऊपर, वो धर्म के माध्यम से होगा, क्योंकि हम धर्म के माध्यम में बटा हुआ है समाज पूरी तरह से। और कोई भी सरकार, कोई भी अभी तक जो शासन इतना समय हो गया, किसी ने भी इस दिशा में प्रयास नहीं किया कि पूजा पाठ को लेकर कुछ वो चीज़ें हैं जिनको लेकर एक रूपता आती है समाज में, जान पड़ती है, उनको अपनाया जाए इसको, बल्कि एक सेकुलर सेकुलर कह के धर्म निरपेक्षता का नारा देकर संविधान में और सबको आज़ादी दे दी, कोई नियंत्रण नहीं, जो मर्जी चाहे जिसको माने ना माने, जो जिस चीज़ को धर्म माने वो उसी को धर्म समझ रहा है, कोई दूसरा समझ रहा है, ये स्थिति बन गई है। अब आप आर समाज से जुड़े हुए लोग हो, विचार करो, देखो ये चीज़ किधर ले जा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विदेशी षड्यंत्र शुरू हो चुका है। अभी मैं इधर चेन्नई की तरफ गया और भी कई जगह मैंने देखा, तो एक इस्कॉन नाम की संस्था ने अपने बीज यहाँ जमा दिए हैं, इस्कॉन जिसका नाम, यहाँ भी शायद होगा कहीं ना कहीं जरूर, उन्होंने पूरा नेटवर्क फैला दिया है, वो हरे कृष्ण करके, और ये सब का जो माध्यम है, सबके जो तार हैं, जो केंद्र बिंदु है, वो सब विदेश से, विदेशी षड्यंत्र है उसके पीछे। अब वो जान रहे हैं कि ये भारत के लोग जो है ये धर्म के मामले में बड़े आरूढ़ हैं, धर्म के मामले भीरू भी बहुत हैं, तो इसलिए इनको इनके अंदर इस रूप में घुसा जाए और इसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि सब में फूट पड़ी है। धर्म के मामले को ही लेकर तो आप देखिएगा, हिंदू और मुसलमान कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी समझदारी हो जाए, लेकिन इसमें एकता नहीं हो सकती, क्योंकि धर्म बीच में बाधा है। जबकि हकीकत यह है कि बाधा है नहीं, लेकिन बना दी गई है, क्योंकि धर्म का जो स्वरूप हम समझ रहे हैं उसने ही बना दी बाधा। तो अब समझदार आदमी क्या भविष्य दिखाई दे रहा है आपको अपने देश का, इस नाते से वो धर्म के आधार पर हमारे समाज में नियंत्रण करने के लिए फिर एक बार प्रयास होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इतनी कमजोरियाँ आ चुकी हैं धर्म के मामले में, जो सोच है इतनी घटिया हो गई है कि उनका मुकाबला करना बहुत कठिन होगा। आर समाज के पास ही जो विचारधारा है, जो ज्ञान विज्ञान है, उसके पास साधन नहीं है, उसके पास वो स्तर नहीं है, राज्य स्तर पर उसका सहयोग नहीं मिलता कि भाई इस चीज़ों का प्रचार करो। राज्य स्तर पर जो सत्ताधारी लोग होते हैं वो खुद उन्हीं सिद्धांतों को, उन्हीं मान्यताओं को बढ़ावा देते हैं, जिससे समाज में विभाजन पैदा होता है। तो इसी प्रकार का ये चिंता में वातावरण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इससे अब अगर बचाना है, समाज को बचना है, तो एक ही रास्ता है कि महर्षि स्वामी दयानंद के दृष्टिकोण से इन धर्म आदि के स्वरूप को समझा जाए, ईश्वर के स्वरूप को समझा जाए, भक्ति के भाव को समझा जाए, तब आपकी सुरक्षा हो सकती है। वरना जो पूजा पाठ को जिस प्रकार की अज्ञानता फैला दी धर्म के नाम पर, उसे हम बच नहीं सकते। इसीलिए मैं कल भी परसों आपको बताया था कि ईश्वर के विषय पर हम चर्चा कर रहे थे, तो उस चर्चा में हमने स्थिति आपके सामने रखी थी कि आज स्थिति क्या बन गई। ईश्वर का सही ज्ञान न होने के कारण आज अपने जैसा हमने ईश्वर को बना लिया, और मेरा अलग स्वरूप है तो मैंने अपने ढंग का बना लिया, जो आपका वैसा आपने अपना बना लिया। अब एकता की कभी बात करो को भाई हमारे अंदर एकता हो जाए इस मुद्दे पर, तो कभी एकता हो नहीं सकती। तो फिर प्रश्न पैदा हो रहा है, और हमने तमाम घटनाएं देखी हैं, पिछला इतिहास भरा पड़ा है कि इन मनुष्य की बनाए प्रतीकों में कभी भी एकता कायम नहीं हो सकती। एकता अगर कायम हो सकती है तो वेद के आदेश पर ही हो सकती है, वेद के चिंतन पर ही हो सकती है कि वेद क्या कह रहा है भाई ईश्वर के बारे में, ना? तो उसी प्रकार का ये वेद का जो दृष्टिकोण है, ये महर्षि स्वामी दयानंद की शरण में जाए, ये स्पष्ट नहीं हो सकता।
अगर उसको शरण में जाएंगे तो ये बहुत ऐसे लगेगी आपको कि बहुत साधारण चीज थी और हमने इतना कठिन बना दिया इसको। तो ईश्वर के स्वरूप पर चर्चा, वास्तव में ईश्वर क्या है, तो कल में हमने दो तीन उदाहरण से सिद्ध किया था कि परमात्मा एक कोई वस्तु नहीं है, कोई आकृति नहीं है, वो एक शक्ति है, पावर। और शक्ति भी क्या ऐसी है, चेतन शक्ति है। तो इसको सिद्ध करने के लिए कई उदाहरण हमने आपके सामने रखे कि कैसे वो चेतन शक्ति। तो पहला उदाहरण हमने आपके सामने रखा था कि सृष्टि के अध्ययन करने से पता लगता है कि हर छोटे बड़े रचना में गति है। तो ये गति और जड़ पदार्थ में अपने आप गति आ नहीं सकती, और तो इसको कोई गति देने वाला कोई पावर है बाहर, है ना, वो उसको गति दे रहा है। तो उसी के इस आधार पर हमने सिद्ध किया है कि तमाम सृष्टि के छोटे से बड़े कण तक ये बात जाहिर कर रही है कि हर में गति है। तो गति कैसे आ गई, तो इस आधार पर परमात्मा को हम क्या बोलते हैं, उसका स्वरूप है सविता। सविता कहते हैं प्रेरणा देने वाला, फर्स्ट इम्पल्स। जो जड़ पदार्थ था उसमें गति किसने दी, तो वो ईश्वर ने दी, क्योंकि उसकी जो गति ईश्वर में जो खुद इस प्रकार से। तो एक तो इस आधार पर हमने कई उदाहरण से आपको समझाया, चर्चा की। दूसरा हमने बताया कि हर सृष्टि के अंदर क्रम और नियम है, हर पदार्थ परमात्मा की जो रचना है वो नियम में बंधी हुई है, बिना नियम के कोई भी चीज नहीं है। अब आप देखो, अगर नियम में ना बंधी होती तो आज हम 1,00,000 वर्ष बाद कब पूर्णमासी होगी इसका ज्ञान आज प्राप्त करते हैं ना, या पहले कब अमावस्या हुई, कब पूर्णमासी हुई, तो ये आज पता कर सकते हैं। देखो, तो ये कैसे संभव है, नियमों में संभव है ना, कि नियम से बंधी हुई है हर चीज। आप इसी आधार पर विचार करो, देखो ये चीजें ऐसी हैं छोटी छोटी, लेकिन बड़ा चिंतन के लिए हमें हमारे अंदर धारणा मजबूत कर देती है। आप कभी देखो, पूर्णमासी जब होती है और सूर्य ग्रहण जब पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या के दिन पड़ता है। आप जब भी देख लेना, सूर्य ग्रहण की जब चर्चा हो रही होगी तो उस दिन अमावस्या जरूर होगी, और जब चंद्र ग्रहण की चर्चा हो रही हो, चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, तो आप देखना वो उस दिन पूर्णमासी होगी। तो अब ऐसी होगी, बताओ, इतनी बड़ी सृष्टि का इतना सब काल गणना और सारा नियम में बंधी हुई है, और उसी गणित के और नियम के आधार पर हम ये बता सकते हैं, बताते हैं हमारे वैज्ञानिक इस दृष्टि से जो लगे हुए हैं, कि भाई पृथ्वी के किस भाग पर वो दिखाई देगा और किस भाग पर नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये इसलिए संभव हो रहा है कि परमात्मा की जो सृष्टि है वो बिल्कुल नियम में बंधी हुई है, सब नियम है, इसलिए इधर से उधर नहीं होती। कल हमने उदाहरण भी दिया आपके सामने ये इसी प्रसंग में, कि चांद पर जाने वालों ने बताया कि उसमें भी सृष्टि के नियम ही तो काम कर रहे हैं, उन्हीं की हेल्प से वहां पहुंच गए। तो इसी प्रकार से ये हमने समझ लिया क्रम। अब उसके बाद अगला पायदान क्या है, अगले पायदान में ये है कि परमात्मा की सृष्टि जो है पर्पजफुलनेस है, स्वोद्देश्यता जिसे बोलते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहें, कोई भी पदार्थ परमात्मा ने जो बनाया है उसका हर एक पदार्थ का छोटा या बड़ा कोई प्रयोजन है। अब बोलो आप, अपने आप बन जाए ऐसे, तो ये सृष्टि में कैसे संभव है, एक छोटे 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 तिनके के अंदर भी छोटी छोटी कोई भी चीज है उसका प्रयोजन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्यों बनाई है परमात्मा ने, उसका क्या उद्देश्य, हम भले ही ना समझ पा रहे हो लेकिन सबका उद्देश्य है। तो जब उद्देश्य है कि तो बनाने वाला, इसका मतलब कोई हिसाब किताब से प्रयोजन है सृष्टि के बनाने। और हम और आप तो अच्छे से जानते हैं, वेद माता बार बार जब भी प्रश्न किया गया, स्वामी जी ने भी समझाया कि परमात्मा ने ये, जिसको देखो पहला ही मंत्र हमें इशारा कर रहा है ना, कितना बढ़िया परिचय दिया है सृष्टि का, अग्नि मीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधात्मम। ईश्वर जानता था कि मेरी सृष्टि को देख कर ही भ्रम में ना पड़ जाए, तो इसलिए साफ कर दिया पहले ही कि ये समझ लो अच्छे से कि ये जो मैंने सृष्टि बनाई ये क्या है। तो वहां का अग्नि मीड़े पुरोहितम, अर्थात अग्नि के रूप में मैं ही इसका यज्ञ का होता हूँ, अध्वरी हूँ, ये मैंने एक यज्ञ रचाया है। ये सृष्टि को यज्ञ की उपमा दी गई। अब आप देख लो, आप छोटे से छोटे कण में आप विचार करोगे, यज्ञ क्या, यज्ञ में क्या होता है, परोपकार। यज्ञ में वो सारे कर्म आते हैं जो परोपकार के लिए किए जाते हैं। तो परमात्मा की जो रचना उसमें देख लो, कोई भी चीज ऐसी है जिसमें परोपकार ना झलक रहा हो, कोई वनस्पतियों के लिए बनाई है उसका परोपकार हो रहा है, कोई हमारे लिए हो रहा है, कोई जानवरों का हो रहा है, कोई ब्रह्मांड में जाने कितने छोटे छोटे मच्छर छोटे छोटे कीड़े, देखो सब ना कोई प्रयोजन है। कई बार हम देखते हैं कमरों में होती है चिपकली, बड़ा डरते हैं हम, पर देख लो वो भी हमारी सेवा में लगी हुई है, जो जहरीले कीड़े होते हैं उनको खाती रहती है, वो भोजन है। तो हमारी सेवा हो रही कि नहीं हो रही है, कितने भगवान ने, अब तो देखो हमारी दुर्व्यवहार के कारण ही तमाम गिद्ध मर गए, गिद्ध दिखाई नहीं देते अब। पहले जमाने में
गिद्ध जो है ये खूब सड़क के किनारे दिखाई देते थे, अब पता ही नहीं गायब हो गए। चील गिद्ध बहुत कम कहीं दिख जाए, खत्म हो गए। ये क्यों खत्म हुए? क्योंकि पशुओं को लालच में मनुष्य ने दूध ज्यादा निकालने के चक्कर में जो इंजेक्शन लगा के दूध प्राप्त किया, उसके कारण से उसके शहर में सारा विष घुल गया। और उस विष को जब पशु लोग खाते हैं मांस के द्वारा, तो उनकी जीवन समाप्त हो रहा है, समझ रहे? तो ये पता लगा कि ये, लेकिन वो कितने हमारे लिए, जैसे नगर पालिका के कर्मचारी हैं सफाई के लिए काम करते हैं, अगर वो ना काम करें तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए। भगवान ऋग्वेद भास भूमिका में स्वामी जी ने इसी विषय को स्पष्ट किया है कि परमात्मा ने अपनी तरफ से कितना प्रबंध किया है हमारी साफ सुथाई, हम ठीक से अच्छा जीवन जी सकें। तमाम वनस्पतियाँ, फूल पौधे, तमाम इस प्रकार के जानवर, सुअर, गिद्ध आदि, ये सब नगर पालिका के कर्मचारी तो हैं जो हमारी सफाई में लगे रहते हैं संसार के। तो कहने का मेरा अभिप्राय है कि जब एकांत में बैठकर आप चिंतन करेंगे तो ये है, अर्थात हर ये भी सिद्ध कर रहा है कि इतनी व्यवस्था को करने वाला, उसका कोई प्रयोजन है हर चीज के बनाने में, तो उसका कोई बनाने वाला कोई ना कोई इतना बड़ा गणित सारे चीजों का, तो ये इस आधार पर। उसके बाद में क्या है, फिर एक आधार है कि विशालता, ये ब्रह्मांड की जो विशालता है इसका अनुभव करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो बचाने वाला वो पावर शक्ति कितनी विशाल है और कैसे उसने सारे नियंत्रण कर रखा है। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। एक बार मैं आश्रम में बैठा हुआ था तो कुछ बच्चे बराबर में जगह सत्संग हो रहा था वहां गए। बाद में शाम को हम बैठे थोड़ा वार्तालाप करते हैं तो कहने लगे कि आचार्य जी आज हम वहाँ गए थे सत्संग में तो वहाँ कुछ बच्चे हमारे से प्रश्न करने लगे, चर्चा करने लगे। बोले तुम्हारा ईश्वर जो है भगवान वो सर्वव्यापक है? तो हमने कहा सर्वव्यापक है। तो बोले तुम्हारा भगवान फिर वो गंदगी में भी है? ये देखो आप कुतर्क है ना। तो बोले तुम्हारा भगवान जो है गंदगी में भी है? तो आचार्य जी हम इसका उत्तर नहीं दे सके, तो आप बताइए इसका क्या उत्तर है। तो मैंने कहा देखो हम समझा देते हैं, इसका उत्तर समझने के लिए एक जरा से उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारे जेबों में मोबाइल फोन है, आपके भी रखे हैं, आप जानते हो जब हम सफर करते हैं यात्राएं करते हैं तो ये काम करना बंद कर देते हैं कई जगह, है ना। तो हम क्या कहते हैं वहाँ, नेटवर्क नहीं आ रहा, नेटवर्क नहीं आता तो इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देता है। तो आपने देखा है नेटवर्क कैसा होता है, देखा होगा टीवी पर जो सैटेलाइट कैमरे ऊपर डाल दिए गए हैं ऑर्बिट में, वहां से जो किरणें निकल रही हैं वो पृथ्वी के जितने भाग को कवर करती हैं उसे नेटवर्क कहते हैं। उनके बीच में अगर ये इंस्ट्रूमेंट होगा तो काम करेगा, जैसे ही उसकी रेंज से बाहर हो जाता है ये काम करना बंद कर देता है। ये है इसका संबंध नेटवर्क। उसी को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए जगह जगह टावर लगाए जाते हैं। तो आप समझ गए, तो ये है नेटवर्क। तो इसी प्रकार से इस भाव से हम समझ सकते हैं कि जब हम कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसका क्या अभाव होना चाहिए, क्या भावना हमारी उसके स्वरूप की होनी चाहिए। जैसे ये नेटवर्क को देख रहे हैं, इसी प्रकार से जो परमात्मा पावर है सर्वव्यापक का मतलब यह है उसका इतना बड़ा नेटवर्क है कि उसके नेटवर्क से कोई भी चीज बाहर नहीं है। कितनी इसी पृथ्वी का नहीं, सारे ब्रह्मांड से भी बड़ी बड़ी पृथ्वियां, लोक लोकांतर, आप तो इसमें बोलते हो ना शांति पाठ में, जरा विचार भी किया करो कितने वर्णन हो रहा है। हे प्रभु मुझे इनसे शांति प्राप्त हो, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, द्यूलोक, द्यूलोक जो है सूर्यों का लोक, अंतरिक्ष उसके बाद में जो पृथ्वी इसका जो स्पेस बाग उसको कहा जा रहा है। तो इस प्रकार की जो शांति की कामना तो उन लोगों की ओर परिचय कराया जा रहा है कि इतने इतने तो ये सब लोक लोकांतरों का कौन इतना व्यवस्था कर रहा है, कैसे हिसाब चला रहा है। तो आप समझ गए, अब वो ताकत अगर वो उसको कहीं सीमित कर देंगे एक कमरे में कहीं, तो इतने बड़े ब्रह्मांड का संचालन कैसे कर सकती है वो, समझ रहे आप। तो जब इतना बड़ा व्यापक ब्रह्मांड है, विशाल ब्रह्मांड का अनुभव, तो उससे सिद्ध हो रहा है कि इस विशाल ब्रह्मांड को कवर किए हुए कोई ना कोई विशाल पावर है जो इससे भी बड़ी शक्तिशाली है, उसके नियंत्रण में है। तो देखो ये ईश्वर का स्वरूप आ रहा है आपके सामने कि इस प्रकार तब कहा जाता है परमात्मा, इसलिए कहा चेतन शक्ति। तो एक विशालता से हम देखें, अब समझे ना, अब इसीलिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण थोड़ा सा अगर हमें अध्ययन होता है तो मन लगता है पूरा। मैं जब पहली बार मॉरिशस गया तो वहाँ दिल्ली से पहली बार चांस था मेरा हवाई जहाज में, तो बैठा तो जिज्ञासा थी कि भाई ऊपर से देखेंगे जमीन हमारी कैसे लगती है। तो बिल्कुल साइड पे मेरी विंडो वाली चेयर थी तो मैं बार बार वो उसके साथ ढक्कन लगा हुई थी खिड़की से खोलता था और बार बार देखता था नीचे कैसे लग रहा है। कई बार वो मैडम आई से मना किया कि बोले और डिस्टर्ब होता बंद कर दीजिए, पर मैं उसको थोड़ा बहुत कभी बार बार देखता रहा। तो मैंने ये देखा कि लगभग 4.5 घंटे लगे यहाँ से मॉरिशस, और 4.5 घंटे में केवल आधा घंटा पृथ्वी के भाग पर हवाई जहाज उड़ा,
जबकि 1000 किलोमीटर लगभग चल उड़ रहा था वो घंटे के हिसाब से, तो लगभग आधा घंटा पृथ्वी के भाग पे लगा और बाकी सब समुद्री समुद्र। मॉरिशस पहुंचे वहां भी जिधर जाओ समुद्री समुद्र, बीच में टापू में बीच में एक छोटा सा बना हुआ है वो सुंदर सा है। तो अब देखिए अब वहां जाकर जब शाम को हम बैठे संध्या करने के लिए, बीच के किनारे टकरा रही थी लहरें, ऐसे शोर आवाज आ रही थी झनझना था, और जब ये मंत्र आया समुद्र हमारे सामने पढ़ने में, समुद्रा दणवादधि संवत्सरो अजायता, तो देखो आ गया ना परमात्मा उस कल्पना जो हमारी यथार्थ में, जब हम उसका बोध हो गया समुद्र का, और ये कितना विशाल है, और ये तो हिंद महा इससे भी बड़े बड़े, इधर तक कितना भाग है, अरब अलग है, हिंद महासागर अलग है, ये मेरे भगवान सारी जो पृथ्वी है इसको तो कई गुना पानी पर टिकी हुई है, बीच में देखो कितना आश्चर्य हो रहा है। और वैसे देखो आप पता लगता है ना, देखो ईश्वर की रचना उसके प्रति विश्वास, क्या बनाने वाला कारीगर है। अभी आप मट्टी लो, मट्टी को कोई इतना बड़ा कोई बाल्टी में या कोई कटोरे में पानी ले लो, उसमें डाल दो थोड़ा डेला, तो देखोगे आधा घंटे बाद वो घुल जाएगा, उसमें घुल जाएगा, नहीं घुल जाएगा क्योंकि पानी ज्यादा है तो मट्टी घुल जाएगी। तो इसी पर देखो बनाने वाले की रचना कि कई गुना पानी है इस पृथ्वी मट्टी के हमारे चारों तरफ जो घिरी हुई है, और उसी के बीच और देखो घुल नहीं रही है, ये घुलती नहीं। अब हमारे कई लोग कहते हैं साहब भगवान को अब किसी को मारने के लिए अवतार लेना पड़ता है ना, भगवान अवतार लेंगे, अरे भले आदमी उसके स्वरूप को तो समझो, एक सेकंड भी ज्यादा है अगर इस पृथ्वी का वो चाहेगा उसके साथ नाम अनुसार तो पता भी नहीं रहेगा ये कहाँ गई, ऐसी स्थिति में खड़ी। तो ये क्या है, ये हमारी अज्ञानता के द्योतक है। तो इसलिए कहा गया कि विशाल रूप में इसी को तो कहा जा रहा है, ओम के जो वर्णीकरण जाप में वो भी इशारा किया जाता होगा ना, आप समझ रहे हो, आओ आकार तो अग्नि विश्व विराट, वहां भी विराट आ रहा है, विराट का अभिप्राय यही है कि उसके विराट रूप का अनुभव करके उसकी महिमा को जानते हुए तब हमें उसकी महानता का बोध हो जाएगा। तो ये विराट रूप देखें, ये उसका लक्षण दिखा रहा है कि इतनी बड़ी पावर है वो हमारी, जिसको हम शक्ति कह रहे हैं उसमें प्रमाणित कर रही है। एक चीज और है कि हर रचना में, अब ये थोड़ा साइंस के लोगों की बात है, आप देखो एक एटम में जैसे परमाणु होते हैं उसकी एक संख्या बदलने से ही वो साल्ट बदल रहा है, कार्बन के 6 परमाणु उसके नीचे, अगर उसमें एक एटम वहां बदलने संख्या तो 7 हो रही है, नाइट्रोजन बन रहा है, कमाल है भी बनाने वाले का कि एक संख्या के अंतर से ही वो कार्बन नाइट्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन 8 में आया तो ऑक्सीजन अलग हो रहे हैं 8 तक, तो ऐसी बन गया सब कुछ। ये कौन है भाई बनाने वाला, कितना हिसाब किताब से सारी चीज बनाई, और फिटिंग बाहर को छोड़ दो, चलो अपने शरीर पर ही विचार कर लो, शरीर में देखा ये जो छोटा सा पंप है 5 लीटर से भी ज्यादा खून को साफ करता है ये, और ऐसे चलता रहता है जब से जन्म लिया है कितनी उम्र तक सुबह, ऐसी देखो क्या बनाने वाले की रचना है। और यंत्र देखो ये 3 काम नहीं करते, और भगवान की रचना देखो एक ही मशीन एक ही वो 3 काम कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है हृदय। हृदय में 3 शब्द आ रहे हैं ना, अक्षर आ रहे हैं, हृदय का मतलब हा का मतलब है हरण करना, दा का मतलब दान करना, और या का मतलब यान, तो अर्थात ये खुद लेता है हरण करता है और फिर दान करता है, धक्के देकर नसों में इधर से ले रहा है और दूसरी तरफ को पास कर रहा है और ढो भी रहा है यान, देखो आप जो नसों नाड़ियों में तमाम जो है उनका संचार हो रहा है इसको ढो रहा है, इसी पर डिपेंड कर रहा है ये हृदय अटैक हार्ट अटैक क्या है ये, जैसे आप पंप वगैरह अगर गांव में भी हमारा तो बेचारा वो इंजन चलाने वाला भी जानता है ये क्या है, ये हार्ट अटैक क्यों होता है, जो नाड़ियां हैं जो नसें हैं उनमें जब डस्ट भर जाती है कूड़ा भर गया है ना, तो कूड़ा भर गया तो अब पंप जोर मार रहा है वहां से, उसका काम है कि खून को आगे पास ऑन करे, अब जब रास्ते में रेसिस्टेंस पैदा हो रही कूड़ा बांध नसें हमारी मोटी हो गई चर्बी का बहुत से कारण है इसमें, तो क्या हो गया बेचारा ताकत लगा रहा है लगाते लगाते ऐसी स्थिति आ जाएगी वो खड़ा हो जाता है, नसें इतनी भर गई हैं इतनी गाढ़ी हो गई हैं कोलेस्ट्रेट बढ़ने के कारण शुगर बहुत सी चीज कारण है इसमें, पर मूल देखो समझने का यही भाव है। तो कितना सुंदर परमात्मा ने हृदय ये पंप बनाया, किसी को देख देख कर तमाम चीजें मशीनें बना डाली लोगों ने, तो अपने शरीर की रचना पर ही विचार करो तीनों काम कर रहा है। तो ये हुआ परमात्मा की इस रचना को देख कर पता लगता है इसका कोई रचयिता है कोई बनाने वाला उसका प्रयोजन है। तो ये तो मैंने एक वैज्ञानिक आधार पर कि परमात्मा क्या है कोई चीज नहीं है वस्तु नहीं है एक शक्ति विशेष है और जिसका पूरा कंट्रोल इस सृष्टि के संसार के ऊपर है, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान करना चाहिए अनुभव करना चाहिए। और इसकी अनुभूति भी हम करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे सुषुप्ति में जाकर सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा इंद्रियों से जब दूर हो जाती है और सुषुप्ति में अर्थात इतनी गाढ़ी नींद आती है कि हम अगले उठते कहते हैं आज तो बहुत आनंद आया,
अब उस आनंद की जो अनुभूति हो रही है वो वर्णन नहीं किया जा सकता, वो किसी लेख से लिखा नहीं जा सकता, कोई कविता में कविता क्या कहेंगे, ये तो इंडिविजुअल मैटर है भाई, ये तो आप खुद करोगे तो आपको होगा, यही स्थिति यहाँ पर है। तो ये सब करने की चीज है। तो इस आधार पर अब थोड़ी सी बात बस खत्म करके, इस समय समाप्त हो रहा है, अगली चर्चा कल करेंगे इस पर। अब हमारे दर्शनों की भी मदद ले सकते हैं हम, ये ईश्वर को सिद्ध करने के लिए, ईश्वर है उसकी सत्ता को, ये हमारे दर्शनकार, क्योंकि ये भी हमारे लिए प्रमाण है। तो उसमें देखो बारी बारी से कैसे ईश्वर की सिद्धि की गई है। वैशेषिक दर्शन है, वैशेषिक दर्शन के ऋषि ने ईश्वर को कैसे सिद्ध किया है, तो ऐसे सिद्ध किया है कि जो संज्ञा कर्म अर्थात जो पदार्थ हैं सारे संसार के अंदर, उनका नामकरण किसने कर दिया, ये आप सोचो। अर्थात जैसे हम कहते हैं वेद चार ऋषियों को दिए, परमात्मा ने उनके हृदय में प्रकाशित किए, ये बात सुनते हैं, स्वामी ने भी लिखी है, लेकिन उन ऋषियों के आप नाम भी बताते हो, अग्नि वायु आदित्य और अंगरा, तो ये नाम किसने कर दिए। अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा होता है, जब कोई था ही नहीं उस समय, तो पुरोहित भी नहीं था कोई, तो पता लगा, इसीलिए ये बात आ रही है कि नामकरण जो प्रारंभ में परमात्मा वस्तु पदार्थ करता है वो ईश्वर ही करता है। इस आधार पर उसकी सिद्धि हो रही है कि नामकरण करने वाला तमाम बाजरा गेहूं ये सब जो पदार्थों के नामकरण जो अष्टाध्यायी ऋषियों ने निकाल कर उसका साक्षात्कार कर लिया, तो इसका आधार क्या है, इसका आधार वो ईश्वर है। इससे सिद्ध हो रहा है कि वो नामकरण करने की आवश्यकता जो अनुभव हो रही है वो ईश्वर करता है। इस आधार पर उसने संक्षेप में मैंने कहा। दूसरे फिर कहा न्याय दर्शन, न्याय दर्शन पर ईश्वर की सिद्धि इस आधार पर होती है कि संसार में हम देखते हैं और वैसे भी अनुभव होता है, कोई अपराधी जो है अपराध करने के बाद अपने आप जेल में नहीं पहुंच जाता कि साहब मैंने अपराध किया और मुझे सजा दे दो, है ना। तो उसको उस अपराध के किए गए अपराध में या अच्छे कर्म या बुरे कर्म का जो फल देने वाला है कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो व्यवस्था कौन सी है जो ये काम करती है, उसी को ईश्वर कहते हैं, समझ गया। इस आधार पर न्याय दर्शन ने सिद्ध कर दिया। फिर योग दर्शन की बात आई, योग दर्शन ने अपने ढंग से एक तो वेद को प्रमाणिक मानता है, दूसरी बात उनके कहा कि भाई संसार में दुनिया में ये देखते हैं हर वस्तु से दूसरी एक बड़ी वस्तु है और हर चीज से एक छोटी वस्तु है, तो बड़ों में अगर हम कल्पना करें इससे बड़ा ये, इससे बड़ा, इससे बड़ा बड़ा, तो कहाँ जाकर रुकेंगे, तो सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा है उसी पावर को ईश्वर कहा जा रहा है, और जो सबसे छोटा है जिसको अड़िमा गरिमा के रूप में सिद्धियों के रूप में उल्लेख किया जा रहा है, अड़िमा जो सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म उसके संसार में कोई और छोटा नहीं है वो ईश्वर है। इस आधार पर उसने सिद्ध कर दिया न्याय दर्शन योग दर्शन के आधार पर। फिर क्या रह गया हमारा मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के जैमिनी मुनि है उसके, उनकी सोच थोड़ा इस वो यज को ही सब कुछ मानते हैं, यज के द्वारा ही कर्म का फल होता है, यज को ही उन्होंने प्रार्थना दी है कर्म कांड की दृष्टि से, तो इसलिए उन्होंने ज्यादा ईश्वर की चर्चा नहीं की, लेकिन वो मानते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ आदि करता है कराता है उसे जुड़ा रहता है तो उसकी ऐसी भावना बन जाती है, एक रस पैदा हो जाता है अंतःकरण में कि जब ये जीवात्मा उस शरीर को छोड़ के जाती है तो वो रस जो उसके वाहन के रूप में काम आता है। ये मीमांसा दर्शन के ऋषि का अनुभव है। उसके बाद में एक दर्शन रह गया है वो आप सुन चुके हैं वेदांत दर्शन। वेदांत वाला तो सारा ईश्वरी को मानता है और कुछ मानते ही नहीं, है ना। तो इस आधार पर ये हमारे दर्शनकारों ने भी ईश्वर की अपने अपने तरीके से सिद्धि की है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक विवाद पैदा कर दिया कुछ लोगों ने कि देखो ये मतभेद है दर्शनकारों में, स्वामी ने कहा कोई मतभेद नहीं है। अब स्वामी जी के दृष्टिकोण से देखो ये भी ठीक क्या, उन्होंने कहा मतभेद नहीं है, ये अपने अपने मान्यताओं के आधार पर अपनी अपनी सोच के आधार पर सबने उसको एक ही को सिद्ध किया है, सबका इशारा एक ही है, सबका लक्ष्य एक ही है। तो उन्होंने अपने ढंग से छह का किसी चीज के निर्माण में कौन कौन सी चीजें चाहिए उस आधार पर महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को और स्पष्ट किया है। तो ये सब चीजें हमें स्वाध्याय से सत्संग में आने से धीरे धीरे आज हमें कठिन लग रही हैं, तो इस चिंतन से विचार करके जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ईश्वर का सही स्वरूप याद आ जाता है। और सबसे सरल बात हमारी बेटियां बैठियां माताएं इतना विस्तृत ना, तो भाई आर्य समाज का जो दूसरा नियम है ना इसी पर विचार किया करो, इसे याद कर लिया करो, तो इसी से आप समझ जाओगे कि ईश्वर का क्या स्वरूप है। कितना बढ़िया, अब आज मैं पूछूं अगर तो शायद ही किसी को दूसरा नियम याद होगा, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं जाता उधर, तो वो अगर हमें याद हो तो उसी में देखो ईश्वर का वर्णन आ रहा है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप न्यायकारी सब शक्तिमान और दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। इन्हीं पर विचार कर लो, अगर बहुत गहराई का अध्ययन नहीं है तो परमात्मा इसी से सब पता लग रहा है कि किसकी ओर इशारा हो रहा है, वो कौन सी सत्ता है,
जिसमें ये सब गुण मौजूद है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करने से ईश्वर जो तत्व के रूप में हमें जानना आवश्यक है उसके साथ हमारा ठीक से यथार्थ ज्ञान हो जाता है और धीरे धीरे हम उसका अनुभव करने लगते हैं और बहुत सी अविद्या बहुत सी जो अज्ञानता पाले रहते हैं वो भी दूर हो जाती है। ओम ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक महर्षि स्वामी देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो। नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।